बेटे कल वाले टॉपिक को ही आगे लेके चलते हैं। कुछ थोड़ा सा ये एक सेक्शन है जो हमने हल्का फुल्का रिपीट करेंगे, इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिन्हें आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। एक तो ये हम चलाएंगे आज, और दूसरी बात हम करेंगे आज इस चैप्टर का बहुत ही अहम टॉपिक, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी, ये एक सिमेट्रिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जस्ट लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नोबल गैस का एक एटम है। सेंटर में इसकी न्यूक्लियस है और इर्द गिर्द इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसे आप सिमेट्रिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कहेंगे, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड तमाम अतराफ पे यकसा तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हुए। क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स टिकके तो बैठते नहीं है, तो वो हर लम्हे गर्दिश में रहते हैं। तो ये एन मुमकिन है कि किसी एक लम्हे ये इलेक्ट्रॉन जो इधर सारे यकसा तौर पे थे, तो वो एक साइड पे मुंतकिल हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि ये अनसिमेट्रिकल इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया। ये जो अनसिमेट्रिकल इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना, इसने क्या करना है, ये इधर आपने पिक कर लिया इसको राइट साइड पे। ये जो अनसिमेट्रिकल इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को भी खराब करेगा, और उसके अंदर एक अनसिमेट्रिकल डाइपोल इंड्यूस कर देगा। आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर भी इसने उसके न्यूक्लियस को इसके इलेक्ट्रॉनों ने अपने करीब कर लिया और इलेक्ट्रॉनों को परे धकेल दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगले को उसके अंदर जो है इंड्यूस कर देंगे डाइपोल। ये जो रेड डॉटेड लाइन शो की गई है, दिस इज बेसिकली लंदन डिस्पर्शन। तो ये जो इसका इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना है, ये मुस्तकिल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन चूंकि रिवॉल्व करते रहते हैं, वो रिवॉल्व करते करते किसी भी लम्हे एक साइड पे आते हैं, लेकिन जस्ट फॉर एन इंस्टेंट आते हैं। जैसे ही वो आते हैं, तो वो साथ वालों को, जैसे इसको और इसको, खराब कर देते हैं, और इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो डिवेलप हो जाती है। लेकिन इसी लम्हे ये जो पीछे वाला ये जो है मॉलिक्यूल, ये दोबारा वापस इस शक्ल में चला जाता है। सर स्क्रीन फिर ग्रीन है जी। बेटा सर स्क्रीन ग्रीन है, सॉरी स्क्रीन ग्रीन है जी सर। एक मिनट बेटा, मैं दोबारा इसको पिक करता हूं। जी अब ठीक है जी सर, अब ठीक है। चले ठीक हो गए जी। मेरा बेटा ये इस शक्ल में वापस चला जाएगा। जैसे ही ये इस शक्ल में जाएगा, इसमें दोबारा से ये किसी और डायरेक्शन में इस तरह से ये एक और डाइपोल बन जाएगा। ये अगर इस शक्ल में डाइपोल बनेगा, तो ये इधर एक हमसाय को खराब करेगा, ठीक है, और ये उससे अगले को खराब करेगा। तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, जो पहले एक सिमत में बनी हुई थी, वो अब दूसरी सिमत में, ये देखिए, दूसरी डायरेक्शन में वो डेवलप हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये डेवलप होता है, तो ये पीछे से फिर वापस इस शक्ल में चला जाता है, और फिर किसी और डायरेक्शन में इस तरह से जो है वो काम शुरू हो जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं, दीज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, हर किस्म के मॉलिक्यूल्स में होती हैं, वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर, बट दीज आर द ओनली फोर्सेस जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं। नॉन पोलर में कोई और इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होती, मास सिवाय ये वाली।
फ्रिट ट्रंडल, एक जर्मन फिजिसिस्ट था, इन 1930 ऑफर्ड अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दीज वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और वही हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया. In non-polar molecules, just like helium, neon, argon, electron cloud is symmetrically distributed around the nucleus. जो पहली डायग्राम थी. Electrons always move around the nucleus, हर वक्त move करते रहते हैं. They may be distributed unsymmetrical at any instant. किसी एक लम्हे के लिए वो unsymmetrical हो जाएंगे. जब unsymmetrical हो जाएंगे तो वो instantaneous dipole बन जाएगा. This unsymmetrical distribution of electron cloud may cause dispersion in electronic cloud of the neighboring molecules. वो तो उसके अंदर खराबी हुई है, वो साथ वाले को, उससे अगले वाले को, सबके अंदर खराबी पैदा करके उनके दरमियान intermolecular force develop कर देगा. There is a force of attraction between negative end of one molecule. एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड डेवलपिंग इंस्टेंटेनियस डायपोल जो कि इंस्टेंटेनियस डायपोल के अंदर डेवलप हुआ है, एंड पॉजिटिव एंड ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल, और नेबरिंग मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को वो अट्रैक्ट कर लेगा, डेवलपिंग एन इंड्यूस्ड डायपोल. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स या लंडन डिस्पर्शन फोर्स. दिस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, हमने पहले ही बात कही. It is developed by the dispersion of electronic cloud. Electronic cloud के अंदर बिगाड़ की वजह से ये पैदा होती है. As soon as it vanishes from one orientation, it is developed in another orientation. एक orientation में ये गायब होती है, एक सिमत में इनकी direction अगर खत्म हो जाती है, इनकी distortion अगर खत्म हो जाती है, तो ये किसी और सिमत में distortion शुरू हो जाती है. इसीलिए कहा जाता है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो बहुत वीक है. अब आज हम डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के ऊपर असरअंदाज हो. द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स. नंबर एक, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, किनका, एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का. और नंबर दो, कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम पाए जाते. हम पहले देखते हैं कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का क्या असर होता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के ऊपर. मैंने कल आपसे ये कहा था, आज दोबारा हम पहले वही बात पहले डिस्कस कर लें फिर आगे चलेंगे, कि ये एक छोटा एटम है और ये एक बड़ा एटम है. इसके न्यूक्लियस की ग्रिप इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग होगी, इसके न्यूक्लियस की ग्रिप इस इलेक्ट्रॉन पे वीक होगी. ये वाली ग्रिप स्ट्रॉन्ग और ये वाली ग्रिप वीक होगी. नतीजतन क्या होगा कि इसके अंदर डिस्पर्शन के इम्कानात जरा कम होंगी, ठीक है, और इसके अंदर डिस्पर्शन के इम्कानात जरा ज्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो कमजोर है. जो छोटे एटम्स होते हैं उनके अंदर ये जो डिस्टॉर्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, या बिगाड़ है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, जिसमें उसने इंस्टेंटेनियस डायपोल की शक्ल इख्तियार करनी है, वो जरा कमजोर, ठीक है, यहां पर, और यहां पे वो स्ट्रॉन्ग. जी बेटा, व्हेन साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज लार्ज, डिस्पर्शन बिकम इजी. यही बात हमने अभी की. एंड दीज फोर्सेस बिकम मोर प्रोमिनेंट, और ये फोर्सेस बहुत वाजे हो जाती हैं. द एलिमेंट्स ऑफ द जीरो ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो जीरो ग्रुप है, जिसे ग्रुप 8A कहते हैं, वो सारी मोनो एटॉमिक गैसेस हैं. कौन से हैं? दे आर नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीरॉन एंड रेडॉन.
दे डोंट मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स, वो दूसरे एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, उनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। यही वजह है कि जब आप ऊपर से नीचे को आते हैं उनका एटम का साइज बढ़ता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे को बढ़ रहे होते हैं। द एटॉमिक नंबर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियाई से दूर होते चले जाते हैं और इस तरह डिस्पर्शन बिकम मोर एंड मोर इजी। सो पोलराइजेबिलिटी, वो जो बिगाड़ है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, यानी वो जो एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने इस शक्ल में जाना है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो ये वो कहता है कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जी बेटा, अब पोलराइजेबिलिटी है क्या? मैंने अभी आपको बता भी दिया कि वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर बिगाड़ है, मैं दोबारा आपके सामने ये तीसरी दफा मैं ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको ये मेमोराइज हो जाए कि ये पोलराइजेबिलिटी क्या चीज होती है। दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सेंटर में न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इस तरह से हो जाना कि न्यूक्लियस एक तरफ हो जाए और सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो दूसरी तरफ चला जाए, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। हेलो जी, फिर वो लाइट चली गई थी, आप लोग पीछे से थोड़ा दोबारा बता दें। एक मिनट, पीछे से जाना जरा मुश्किल है, वो आप रिकॉर्डिंग में बेटे चेक कर लेना। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बात को आगे लेके चलता हूँ। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है इसके अंदर जो बिगाड़ पैदा होता है ये वाला, कि एक तरफ न्यूक्लियस हो जाए और एक तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएं, ठीक है, जिसके नतीजे में ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल पैदा हो जाए, इस फिनोमेना को हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। अब ये देखिए, ग्रुप 8A में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन है, आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे को आते वक्त इनका साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ता है तो आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज हो गए। सिमिलर इज द केस विद द हैलोजन, ये फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो इजाफा हो रहा है। अब यही बेटा लास्ट स्लाइड पे यही बात हो रही थी पोलराइजेबिलिटी की, ये मैंने रिपीट बाय चांस कर ही दी है। पोलराइजेबिलिटी क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर, एक पैमाना है ऑफ द एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी डिस्पर्स्ड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले सिमेट्रिकल था, ये डिस्पर्स हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, पोलराइज हो गया। पोलराइजेशन मींस अपीयरेंस ऑफ टेम्परेरी या इंस्टेंट डाइपोल इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये पहले नॉन पोलर था, इसके अंदर ये चीज डिवेलप हो जाना, दिस इज सिंपली पोलराइजेबिलिटी। मोर पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी लैटेंट फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी। ठीक है, और यही वजह है कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, चाहे ग्रुप 7A ले लें चाहे ग्रुप 8A ले लें, वो नीचे को बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे को एटम के साइज जो है वो बढ़ रहे होते हैं। एग्जिस्ट एज डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हैलोजन्स के डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं बेटा? आप जानते हैं, दैट इज क्लोरीन F2, हां जी, Cl2, हां जी, Br2 और I2। ये सारे, देयर इज बिग डिफरेंस इन देयर फिजिकल स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। ये दोनों गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और जो आयोडीन है ये सॉलिड। दिस इज वो जो कह रहा है कि बहुत डिफरेंस है। फ्लोरीन इज ए गैस, उसका बॉइलिंग पॉइंट -188.6,
While iodine is solid, और उसका boiling point 184.4 degree centigrade, with much polarizability, much MUCH, ठीक है? क्योंकि ऊपर से नीचे को आते वक्त जब एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। ये बेटा हो गया पहला फैक्टर। अब हम चलते हैं दूसरा फैक्टर, और वो जो दूसरा फैक्टर है वो बेटा जी है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी। देखिए एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना सा, दो एटम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाएगा तो फिर उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात, एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना, दो का जब बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो दो जब एटम हो जाएंगे तो उनके दूसरों मॉलिक्यूलों के साथ अटैच होने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, जगह ज्यादा उनके पास हो जाएगी। मैं इसकी एक मिसाल दिया करता हूं। जैसे एक बहुत पहलवान किस्म का आदमी हो, ठीक है, तो ईद वाले दिन वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा हो। नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में तो आमतौर पर सारे लोग एक दूसरे के साथ बहुत मिलते हैं, ठीक है, उनको पतला सा सिंगल पसली वाला बंदा हो, है उसको तो बंदा एक ही जफा मार ले तो वो तो बगल में आ जाएगा। वो जो पहलवान जी है उनको तो छह बंदे भी जफा मार सकते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी स्पेस ज्यादा हो गई है, उनकी जगह ज्यादा है, तो उनके साथ अटैच होने वाले बंदे जो है वो ज्यादा। इस तरह देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट्स और फिजिकल स्टेट हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? दे आर अल्केन्स, आपको नजर आ रहा है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, छह कार्बन तक, डीकेन 10 कार्बन वाला, और आइसोडीकेन ये भी 10 कार्बन वाला है लेकिन ब्रांचिंग वाला है। जरा गौर फरमाइए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बेटा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे को आ रहे हैं कार्बन के एटम्स की तादाद बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट्स में इजाफा होता चला जा रहा है। क्यों इजाफा होता चला जा रहा है? मैंने आपको वजह बता दी, जब एटम ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता चला जाएगा तो मॉलिक्यूल की जो पॉसिबल अटैचमेंट्स हैं विद अदर्स वो भी बड़ी होती चली जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी, अट्रैक्शंस बढ़ जाएंगे। कहते हैं वी कंसीडर द बॉइलिंग पॉइंट, दो चीजों का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे वो कंसिडर कर रहा है। वो दो चीजें बेटा कौन सी हैं? एक उसने पकड़ा है इथेन को और दूसरा उसने पकड़ा है हेक्सेन। इथेन होती है C2H6, हेक्सेन होती है C6H14। इसका बॉइलिंग पॉइंट है इतना और इसका बॉइलिंग पॉइंट है इतना, बहुत ज्यादा। मैं आपको इसकी छोटी सी एक ड्राइंग बना के आपको समझाता हूं कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा इजाफा हो गया। मान लीजिए ये दो कार्बन वाला इथेन का मॉलिक्यूल ये दूसरे इथेन के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा बेटा, इसमें जो हम ये कह सकते हैं सादा सी जुबान में जो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट हैं वो सिर्फ दो बनते हैं। और अगर आप हेक्सेन कर लें, एक दो तीन चार पांच छह कार्बन, और ऐसे ही बेटा एक दो तीन चार पांच, और बेटा यहाँ पे भी छह कार्बन, बेटा इसमें जो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट हैं जरा गौर फरमाइए, ये बेटा स्पेस ज्यादा हो गई है मॉलिक्यूल के पास, तो वो जो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट हैं वो भी आप देख सकते हैं वो भी क्या हो गए हैं, वो बढ़ गए हैं। नतीजतन क्या होगा कि जो हेक्सेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और ये जो इथेन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो। तो इसकी रीडिंग देख लें, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असल में इन्हीं को हम कहते हैं जिसको आप अल्केन्स भी कहते हैं, ठीक है। दे स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें एक कार्बन है दैट इज CH4, इसमें दो हैं, इसमें तीन है,
C3H8 इस पे 4 है, C4H10 आपको फार्मूला पता होगा, इस पे 5 है, C5H12 इस तरह से। कहता है द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन भी लगी होती है, इथेन एंड हेक्सेन इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ये हैं। और क्या है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हेक्सेन में ज्यादा है, एंड यही चीज यहाँ पे ये आपको समझाई है, इसमें पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ 2 है और इसमें पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा। कहता है फिजिकल स्टेट चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड देन टू सॉलिड विद इंक्रीजिंग मोलर मास। आप देखिए बेटा पहले फिजिकल स्टेट क्या थी, पहले फिजिकल स्टेट थी गैस, जैसे जैसे कार्बन के एटम्स की तादाद बढ़ती जा रही है फिर लिक्विड हो गए और बढ़ गई फिर ये सॉलिड, ठीक है जी। मुजरा दोबारा से पूछिएगा, आपकी आवाज बहुत धीमी आई मेरे पास। ग्रीन होगी फिर ये, मैं ना इसका कुछ करता हूँ, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। मुझे बता दिया करें फौरन कि ये काम हो गया है। अब ठीक हो गई, चले अब ठीक है, चले ठीक हो गई, जैसे ही हुआ करें ना उसी वक्त मुझे बेटे बता दिया करें। चलें आगे चलते हैं, अगला जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कि एक डाइपोल डाइपोल फोर्स की तरह ही होती है, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल फोर्स से एक्स्ट्राऑर्डिनरली ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये उससे आप कह लेंगे 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग। ये मैंने आपके लिए ये HF का मॉलिक्यूल मैंने खुद से डिजाइन किया, मुझे टेक्स्ट बुक पे डायग्राम थी वो इतनी मजेदार नहीं लग रही थी। ये जरा गौर कीजिए बेटा, ये फ्लोरीन है, ये H है, ये एक मॉलिक्यूल है ये वाला, ये जो सफेद है ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है HF का, ये तीसरा, ये चौथा और इस तरह से आगे। हम इस मॉलिक्यूल को पिक कर लेते हैं, मैं जरा ड्राइंग टूल पकड़ लूं, ये देखिए मैं इस मॉलिक्यूल को एक को पिक कर लेता हूं, जरा गौर कीजिए ये हाइड्रोजन ये इस फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, ये कोवलेंट बॉन्ड्स। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नजर आ रहा है आपको। ये हाइड्रोजन जिसने बॉन्ड बनाया हुआ है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम के साथ जैसे कि फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन एक और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम को अट्रैक्ट कर रही है, ये रेड लाइन जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब फिर देख लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन ने इस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, बॉन्ड भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम के साथ बनाया हुआ है, और ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट भी किसको कर रही है, एक और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम को, और जिस फोर्स से कर रही है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम covalently bonded to a highly electronegative small atom, उसमें फ्लोरीन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है। हमने जो केस अभी पिक किया हुआ है HF का, इसमें H जो है वो फ्लोरीन के साथ bonded है, attracts उस हाइड्रोजन की बात हो रही है, अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम
वो हाइड्रोजन जिसने एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, वो एक और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम को अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स से करती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वो जो दूसरा है वो सेम मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल का भी हो सकता है. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब जरा तवज्जो कीजिए, एक और आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया. जरा अगर आप गौर करें तो ये वाटर है. अब मैं आपको वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जरा उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. ये बेटा जी, ये मैं सेंटर वाला एक वाटर का मॉलिक्यूल पिक कर रहा हूं. ये एक मॉलिक्यूल है ऐसे. क्या पढ़ा हमने? हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम लाइक F4RN. ये हाइड्रोजन ये सफेद रंग के कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ. ये हाइड्रोजन भी ये सफेद वाले कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इस ऑक्सीजन के साथ. अट्रैक्ट्स अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम लाइक F4RN. ये हाइड्रोजन एक और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम को अट्रैक्ट कर रहा है, ये रेड लाइन. ये हाइड्रोजन भी एक और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम को अट्रैक्ट कर रहा है. ये जो मैंने टिक लगाए हैं, दीज आर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आप ये वाला मॉलिक्यूल ले लें, इसमें भी ऐसे. आप ये वाला मॉलिक्यूल ले लें, इसमें भी ऐसे. हर जगह पे ऐसे. जी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मेक देम टू जॉइन टुगेदर इन ए zigzag फैशन. ये देखिए, ये zigzag फैशन, ठीक है जी. द एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ, ये जो HF है ना मेरा बेटा, आपने ये सुना होगा कि HF भी एसिड है. HCl के बारे में तो मेरा बेटा आप बहुत ही जानते हैं. HBr के बारे में भी बहुत सुना होगा, HI भी सुना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपने HCl के बारे में. यहाँ आपको मजेदार बात जो आपको मालूम होना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड है वो HI है. ध्यान से याद रख लीजिएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इन चारों में से HI. वजह बेटा, जो HI का बॉन्ड है ना वो सबसे कम पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम है. ये बहुत जल्दी हाइड्रोजन आयन देगा, और जो चीज हाइड्रोजन आयन जल्द दे हम उसको कहते हैं कि वो अच्छा है. अब दूसरी तरफ आ जाए, HF बहुत पोलर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती फ्लोरीन की. और दूसरी बात, यहां ये जो हाइड्रोजन है ये वाली, ये तो फंसी हुई है, इधर भी फ्लोरीन इधर भी फ्लोरीन. वो जो हाइड्रोजन फंसी हुई है दो फ्लोरीनों के दरमियान, वो भला कैसे एच पॉजिटिव आयन की शक्ल में निकल सकती. दैट इज द रीजन कि HF जो है वो बड़ा ही कमजोर एसिड है बनिस्बत HCl, HBr और HI. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है अलहदा से कि किस तरह से HF बड़ा कमजोर एसिड है बाकी तीनों हैलोजन एसिड की निस्बत. तो वजह ये जरा गौर कीजिए, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम इज ट्रैप्ड, फंस गया है बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन. ये दो फ्लोरीनों के दरमियान फंसा हुआ, ये हाइड्रोजन दो फ्लोरीनों के दरमियान फंसा हुआ, ठीक है. ये निकल ही नहीं सकता एच पॉजिटिव आयन की शक्ल. जी बेटा, ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड इन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आपने पीछे देख ही लिया, हर ऑक्सीजन ने दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड किए.
with two different water molecules. That's the reason for very high boiling point of water. Water ka boiling point bahut zyada hai as compared to HF. Halanki HF ka bond zyada polar hai, lekin phir bhi water ka boiling point zyada hai kyunki water ke andar oxygen atom do do hydrogen bonds mein involve hota hai. HF में फ्लोरीन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होती है. ये अमोनिया आ गया NH3. आप देखिए ये NH3 का ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है विद हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर, ठीक है, या ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ अट्रैक्शन कर रहा है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम of one molecule, ये ऊपर वाला एक molecule है, attracts partial negatively charged nitrogen atom of the neighboring, ये साथ वाली neighboring का वो कर रहा है. This causes an increased boiling point of ammonia. इस वजह से ammonia का boiling point उसके बाकी hydrides की निस्बत बहुत से ज्यादा होता है, ठीक है. ये हमारे कल के lecture में ये बात बड़ी ही जबरदस्त तरीके से आएगी कि क्यों इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं. कल हमारा जो टॉपिक शुरू होगा उसका सबसे पहला हिस्सा इसी चीज को डिस्क्राइब करेगा. ये एक और जबरदस्त चीज है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में. ये देखिए, ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, ये एसीटोन का मॉलिक्यूल. आप दोनों चीजों से वाकिफ हैं बेटा. क्लोरोफॉर्म वो जो राणा साहब नहीं है मैट्रिक में, डड्डू मियां, उनको बेहोश करने के काम आता है. बंदा भी बेहोश हो जाता है वैसे क्लोरोफॉर्म. और एसीटोन आपके इस्तेमाल की शय है बच्चियों की, नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है जी. इन दोनों का आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है. अब जरा तवज्जो कीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब आप कहेंगे सर जी वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है वो तो यहाँ पूरी नहीं उतरती. ये देखिए, ये हाइड्रोजन तो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो कार्बन के साथ बॉन्डेड. तो ये हाइड्रोजन कैसे एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दी? ये कहां से बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, बताता हूं आपको. ये जो तीन क्लोरीन है ना, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेती है. तीनों बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नतीजतन कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बड़ा ज्यादा आ जाता है और कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच ले. नतीजतन इसका हाइड्रोजन पर यहां पर ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है. और ये जरूरत से ज्यादा जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये बाइस बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का विद एसीटोन. यही बात इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी की हुई है. समटाइम्स क्लोरीन एटम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे ये जो तीन क्लोरीन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज ड्यू टू द रोल ऑफ क्लोरीन एटम. ये क्लोरीन एटम क्या करते हैं, डिप्राइव कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को. डिप्राइव का मतलब होता है महरूम कर देना, खींच लेना इससे हाइड्रोजन से, और वो हाइड्रोजन पे आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है. तो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह कल इससे आगे हम बात को बढ़ाएंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये जो टॉपिक है ये मैंने बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया आपके वो जो है मटेरियल बुक के अंदर. आप जरा इसको देखिएगा, बुक को देखिएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है. उसकी वजह क्या है, क्योंकि बुक के अंदर उसने एक बेतरतीबी से लिखा हुआ है, तो मैंने उसको एक ख़ास तरतीब से लिखा ताकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रा बेहतर हो जाए, ठीक है. इस तरह से इसको जरा याद करना आसान है एज कम्पेयर टू दिस मटीरियल अवेलेबल इन द बुक. तो आप को अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो आप कल आते ही इसका कोई क्वेश्चन अगर अभी भी करना चाहते हैं, यू आर वेलकम. थैंक
थैंक यू वेरी मच, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ।